जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेके आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार पढ़ने का तो बहुत मन करता है लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना इनमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो घोल के पी जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो स्कोर कर ही सकता हूँ एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। क्या यार ये पढ़ाई 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 किसने बनाई है ये पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ के? जिसको देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है, अब क्या जान दे दूं क्या? एग्जाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है, ना सिलेबस पूरा कर पाया हूँ ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे हैं। कम से कम पॉइंट्स तो याद रख ही लेता हूँ, एग्जाम में कुछ तो बनाकर लिख लूंगा। एग्जाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद ही नहीं आ रहा, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और बगल वाले को देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है, दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्जाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्जाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे वैसे, बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। पूरी साल बिस्तर में घुस घुस कर वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने, और रोज अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात में जब देखो हालत खराब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता आया है, पढ़ाई के अलावा माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेकर एक काम दे रखा था इसको, पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताबें सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहता था, और ब्लेम किस पर जाता है? स्कूल में पढ़ाई सही नहीं हुई, टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था, सर्दी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, लाइट चली गई, नींद नहीं आई, 2 कौड़ी के बहाने और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में? और ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो कौन सा तीर बचे हुए हैं एक महीने में उखाड़ लोगे? मिलेगा ना फिर रिजल्ट ऐसा? अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है, अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है, अगर थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है, और थोड़ा सा अपने माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचे हैं। 1 घंटा रेस्ट का और निकाल दो, 15 घंटे बचे। क्या करते हो इस 15 घंटे में? बाबू सोना का रोना धोना पूरे साल से करते आए हो, थोड़े दिन और रुक जाओ फिर कर लेना गर्मी की छुट्टियों में। वैसे भी पूरे साल छुट्टी मना रहे थे, अभी से इतने कैजुअल बन गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी तो हो जाएगी ना। अरे पढ़ ही तो रहे थे पूरे साल, कोई कंपनी तो नहीं चला रहे थे, सुनना अच्छा नहीं लग रहा ना? अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे? तुम्हारे गार्जियन बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है। उन बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक के। क्या है ये, मतलब सर्दी खा जाएगी क्या? मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या? और किताबों में किसी ने प्याज रख दी है क्या कि पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती है? बुरा लग रहा है ना, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा तुम्हें जितना खराब रिजल्ट आने वाले दिन लगेगा। मोटिवेशन क्या काम करेगा यार, मोटिवेशन के बाद तो तुम्हें हिप हॉप चाहिए। ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हो ना कि रिकमेंड में वही आते हैं, 1000 मोटिवेशनल वीडियोस देख डालो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे ना रियल लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। अभी 15 के हो गए हो, 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए, 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए, 35 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला यार। बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज नहीं करवा पाओगे क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए डेली का टारगेट है भाई 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का, और तुम्हारा टारगेट यही है कि इसको खत्म करके सोना है, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार, ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि 100 में से 20 लोग ना इसको सही ढंग से काम में ले रहे हैं, बाकी 80% ना वो बर्बाद हो रहे हैं। वो बंदा बर्बाद हो रहा है जो सपना देखता है लैम्बोर्गिनी के, वो हमेशा वीडियो देखता रहेगा, कभी नहीं आने वाले बेटा लैम्बोर्गिनी। एलन मस्क का नाम तो सुना है, किसी ने उनको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनाना है, खुद पढ़ पढ़ कर सीखा है। वो भी खेल सकते थे ना मोबाइल में ठुल्लू गेम्स, अरे अब तो खेल सकते हैं ना वो, बट इट्स यूजलेस। डोंट वेस्ट योर टाइम, समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पर, समय है अभी, संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ब्लैक एंड व्हाइट है पर तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेगी। एक बार दिल लगा कर देखो, और जो बोलता है ना कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, कान खोल के सुन लेना, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता, उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले उसका फील्ड अलग हो, टॉपिक अलग हो,
जब बुखार चढ़ती है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता है बंदा? डॉक्टर के पास ना। और अगर दवा देने वाला डॉक्टर भी ना, वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होगा और अगर वो आपको बुखार के बदले डस्ट की गोली दे दे तो क्या हाल होता? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता? आ जाता ना जमीन पर। छोटी छोटी चीजें मैटर करती है यार। और ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना, वो तो बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स बेवकूफ है क्या यार? क्यों तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, तुमसे ज्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो तुमको उन सबसे बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि ये सोचते हो कि क्या पढ़ाई लगा रखी है सबने। अभी भी टाइम है मेरे भाई, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत करी नहीं। इस बार मेरे कहने पर करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पर कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना उस दरवाजे पर, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाजा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को मार्क करो, और जब भी पढ़ने से मन इधर उधर भागे ना तो एक बार आकर सुनना इसको। और हमेशा एक चीज याद रखना, अगर उसको याद रखोगे तो और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना नहीं बल्कि दुनिया में ना मेहनत करके दुनिया में देश का नाम करना।